36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्लैटिनम जुबली टेक्नोफेस्ट 2016 का आयोजन कर रहा है। CSIR ने यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों को विशेष तौर पर दिखाने के साथ मेले के दौरान हर दिन एक अलग थीम पर फोकस किया है। इस पवेलियन में विमान टेक ऑफ और लैंड करने का पूरा अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट प्लास्टिक को फिर से इस्तेमाल कर उसकी टाइल्स भी यहाँ विशेष रूप से देखी जा सकती हैं, जिनसे यहाँ शौचालय बनाकर दिखाए गए हैं। शुद्ध पेयजल करने वाले ऐसे संयंत्र भी मेले में हैं, जो न केवल सस्ते हैं बल्कि सौर ऊर्जा से चलते हैं और जिन पर केवल एक बार ही खर्च करने की जरूरत है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही उत्कृष्ट एक पानी का वाटर प्यूरिफायर बनाया है, जो कि मेंटेनेंस फ्री है। आप एक बार लगा लें तो उसमें बहुत आपको पैसा खर्च उसके बाद नहीं करना है, केवल साफ सफाई का ध्यान रखना है। और सोलर चलित है, वो सौर ऊर्जा से चलता है और उसमें ये फायदा है कि लगभग 10 लीटर पानी आप 5 मिनट में प्यूरिफाई कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग केमिकल फ्री और प्राकृतिक उत्पादों को भी मेले में काफी संख्या में पसंद कर रहे हैं और इस तरह के उत्पादों की मेले में खूब बिक्री हो रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ऐसे में प्राकृतिक उत्पादों के प्रति उनका रुझान देखा, साथ ही साथ व्यापारिक रूप से भी यहाँ पर बढ़ने का बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं समझती हूँ कि ट्रेड फेयर एक बहुत अच्छा मंच है, खासतौर से हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो एक अलग तरह से हटके करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। मेले में इस बार हर्बल उत्पाद भी हर किसी को लुभा रहे हैं। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो मेले में पहली बार हिस्सा लेने पहुंची हैं, जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अच्छा रुझान मिल रहा है। हमने पहली बार यहां लगाया है, इस बार अच्छा लगा हमें, अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारे टोटल बार एक्सपोर्ट जाते हैं अमेरिका, फ्रांस, यूरोप कंट्रियों में। अभी इसके मुकाबले यहाँ है तो हम इंडिया का भी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में खादी ने भी एक फैशन शो आयोजित किया। इस फैशन शो को मेले में दर्शकों ने खूब सराहा। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।